चशम बिल बिल फेरन गि साढ़ सत्त हथ रुपये तैयार फेरन ग साढ़ सत्त हथ रुपये तैयार यह गो बेडशीट बेडशीट ये देखिए ये बेडशीट शीट है यहाँ पर कम से कम कामस यार पंद्रह वही तो पंद्रह साल यहाँ पर जो बशीर साहब है ये इसकी गारंटी दे रहा है जो बेडशीट शीट है इसने हाथ से बता दे दहन वरियन करो इस्तेमाल दह वो मंडित फेरन तुम्हें ठीक अच्छा दस साल इस्तेमाल करने के बाद इसको फिर से हम सिला सकते हैं और फेर बना सकते हैं जी दोस्तों मैं इस वक्त उसी कारखाने में मौजूद हूँ जहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जहाँ पर ब्लैकेट बनाए जाते हैं जहाँ पर हमारा फेरन बनाया जाता है जहाँ पर मफरल बनाए जाते हैं और ये वही ये कपड़ा का। यहाँ पर इस वक्त बनाया हुआ है जो हमने आपको डिमोनस्ट्रेट करके भी नीचे बताया था ये वही कपड़ा है जो हमने आपको दिखाया था ठीक

बनावा। फिलहाल जिस तरीके से आप ये कारखाना देख रहे हैं ये लेटेस्ट कोई मशीन नहीं है ये वही पुराना कारखाना है जो आज से सौ साल पहले इस्तेमाल किया जाता था अमुक जन हेमो मिसाल के तौर पर मैं आज फेरन गंद ज्यादा से ज्यादा साढ़ सत हे पेपर वूल आपको दिखाता हूँ ये एक कश्मीरी हाथ से बनी हुई लोई है जो यहाँ पर कश्मीरी लोग जो हैं पहले ज़माने में पहनते थे, मैं ये हाथ का काम है हाथ से किया हुआ काम जो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग जो है जिंदा रखे हुए है और जहाँ हम एक तरफ कश्मीर के सकाफत की बात करते हैं, कश्मीर के कल्चर की बात करते हैं, वही कश्मीरी कल्चर कश्मीरी तहजीब को भूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं वही हमारे ही समाज में कहीं एक लोग जो कश्मीरी सकापत को जिंदा रखने में अपनी जी जान मेहनत लगा रहे हैं मैं इस वक्त कुपवाड़ा के सोगाम इलाके में मौजूद हूं यहां पर बशीर अहमद शाह साहब जो पिछले 35 साल से यहां पर कश्मीरी कल्चर को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं और साथ में आपको बता दूं वो यहां पर हैंडलूम का काम कर रहे हैं जो हाथ से यहां पर कपड़े बनाए जाते हैं यहाँ पर हाथ से आरन बनाया जाता है मफरल बनाए जाते हैं साथ में बहुत सारे ऐसे चीज बनाए जाते हैं जो कश्मीरी रिवाज का एक हिस्सा रहा है जो कश्मीरी कल्चर का एक हिस्सा रहा है हम बाहर जब जाते हैं बाहर के स्टेट्स में जब हम जाते हैं तो हम वहाँ पर लोगों को कहते हैं बड़े फख्र से कहते हैं कि कश्मीर का शॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है पर कश्मीरियों ने शायद ही वो शॉल कभी देखा होगा क्योंकि यहां पर वो शाल हमें लगता है कि वो महंगा मिल रहा है मगर मैं आपको बता दूं हमारे जो यहां पर प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल रेट पे हैं बिल्कुल मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब रहते हैं ये यह यहाँ पर हाथ से बनाई हुए चीज़ हैं जिनकी कीमत मुझे लगता है मार्केट से बहुत ही ज़्यादा कम है तो चलिए आज इस कहानी में आपको बताते हैं कि सोगाम के लस्सीपुरा एरिया में बशीर अहमद शाह साहब जो पिछले पैंतीस साल से हैंडलूम का काम कर रहे हैं न सिर्फ वो खुद के लिए रोज का रोज़गार कमाते हैं बल्कि वो दूसरे तकरीबन बीस लड़कियों के लिए भी रोज़गार का जरिया बने हुए हैं

अच्छा, तो 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 थुम जिस तरीके से आप अपने इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं ये कारखाना जो है पुराने तरीके पुराने तर्ज पर है जिस तरीके से कश्मीर में आज से सौ साल पहले काम किया जाता था दस्तकारी का काम किया जाता था हैंडलूम का काम किया जाता था और अपने हाथ से जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं हम आज ब्लैंकेट्स देखते हैं आज हम बेडशीट्स देखते हैं मफलर देखते हैं फेरन देखते हैं वो अपने हाथ से बनाया जाता था किस तरीके से वो हाथ से बनाया जाता था ये हमें बशीर साहब बताएंगे फिलहाल जिस तरीके से आप ये कारखाना देख रहे हैं ये लेटेस्ट कोई मशीन नहीं है ये वही पुराना कारखाना है जो आज से सौ साल पहले इस्तेमाल किया जाता था दुनिया सह खाल

तो अच्छी वसा त्रेन वर्न कर्मानसी ते डोमा आज गुजरा गुजरात यूनिवर्सिटी तो वो अगर मदद मतलब मतलब बहुत वर्ष पे वह पास मीटर ठीक तो अगर ये गौरम मतलब ये यु लड़कों गोरमेंट बन ग्रुप इन तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप आ ग्रुप दौरे मगर ये पिम दौरा पन्चन सकता धज्जि दौर वो अके दौर पे बी चीज खाली दौर मा चल अगर इन मतलब गरमेंट कि

ठीक ठीक अच्छा तो पर्द पर्दन क्या रेट अच्छा तो पर्द पर्द चलिए जी दोस्तों अभी हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स दस्याब है और मैं आपको बता दूं आप भी ये हाथ से बनाए हुए कपड़े हाथ से बनाया हुआ फैन हाथ से बनाए हुए ब्लैंकेट्स खरीद सकते हैं और वो भी मुनासिब कीमतों पर मेरी दस्तकारी का, का काम कश्मीरी हैंडलूम का, का काम और कश्मीरी कल्चर को सेव करने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है और मैं आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करने की भी कोशिश करूँगा और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से आइटम्स यहाँ पर बनाए जाते हैं और अब इनको मार्केटिंग की जरूरत है अब उनको मार्केट में लाने की ज़रूरत है जो भी लोग शौकीन हैं जो भी लोग इन चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहते हैं वो यहाँ पर इनके साथ रबता भी कर सकते हैं फिलहाल मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने, करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर ये मेरे हाथ में लोई है ये कश्मीरी लोई है और पहले ज़माने में इसको पहना जाता था जो हमारे बुजुर्ग थे वो इसको पहनते थे वैसे मैं, okay, मैं आपको दिखाता हूँ ये एक कश्मीरी हाथ से बनी हुई लोई है जो यहाँ पर कश्मीरी लोग जो हैं पहले ज़माने में पहनते थे मैं आपको पहन कर दिखाता हूँ हाजी जी साहब मुझे थोड़ा सा इसमें हेल्प करेंगे और इस तरीके से इसको पहना जाता है और आप देख सकते हैं और किस तरीके से इसको बनाया गया है और ये हाथ का काम है हाथ से किया हुआ काम जो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग जो हैं ज़िंदा रखे हुए हैं और हमें हमारी भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि इस काम के साथ जुड़ जाएं और साथ में इस काम को फ़रोग देने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें और साथ में जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं अगर आप भी इसी तरीके के लोई इसी तरीके के फेरन खरीदना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर भी हम देंगे जिसको ज़रूरत होगी फ़िलहाल आप यहाँ पर सोगाम में बशीर अहमद शाह साहब के साथ रबता कर सकते हैं तो मेरे साथ यहाँ पर एक बार फिर से बशीर अहमद शाह साहब जुड़ गए हैं तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में इस वक्त प्रोडक्ट्स मेरे सामने हैं तो मैं शोएब साहब से गुजारिश करूंगा कि शोएब साहब एक बारी थोड़ा पैन करके कैमरा में दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे सामने रखे गए हैं इसको एक एक करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे मैं ये क्या जितने भी लोग कश्मीरी नहीं, पिवर समझ... वूर। वूर पिवर में। भी लोग कश्मीरी नहीं समझ पा रहे हैं मैं आपको बता दूं ये प्योर वूल में बना हुआ मफरल है तकरीबन आपको तीन सौ रुपये में आएगा तीन सौ रुपये में यहाँ पर आएगा और फिर जो शिपिंग चार्ज है वो अलग से है डिलीवरी चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे जी और एक चीज़ मेरे पास है और एक प्रोडक्ट हालांकि मुझे ज़्यादातर इनके नाम पता नहीं है मैं मज़रत खाऊँ पर शाह साहब मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएँगे पर्द। तो पर्दे जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं जो हम घर में खिड़कियों पे इस्तेमाल करते हैं तो ये वही पर्दा है जो आप बाजार से खरीदते हैं और यहाँ पर यह इसका वेट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप सोचोगे कि ये पचास साल इस्तेमाल करने के बाद भी ऐसा ही होगा ऐसा ही रहेगा और खराब भी नहीं होगा सो? तो कुछ और थोड़ा सा आप दिखाइए तो ये कश्मीरी फेरन यहाँ पर बनाया जाता है अपने हाथ से तुम्हें तो मैं

चश्म बिल, बिल। डायमंड तो प्योर जो आप अगर हमें जेंड के से बाहर भी लोग देख रहे हैं तो तो जो आपको हमारे हजरात दिखाते हैं वहां पर ये कश्मीरी है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हाथ में ये कश्मीरी है ये प्योर कश्मीरी है और अगर आप ये खरीदना चाहते हैं या अगर कोई इसका काम भी करना चाहते हैं तो इनके साथ रबता कर सकते हैं क्योंकि लड़कियों का रोजगार जो है इस काम के साथ जुड़ा हुआ है चलिए जी बेड शीट बेडशीट ये देखिए ये बेडशीट है यहाँ पर कम से कम पंद्रह तो पंद्रह साल यहाँ पर जो बशीर साहब है ये इसकी गारंटी दे रहा है जो बेडशीट है इसने हाथ से बनाया हुआ है हाथ से बनाया हुआ बेडशीट और अगर आप इसका अगर आप इसको हाथ में भी लेंगे तकरीबन एक के जी इसका जो वेट है वो रहेगा तो तकरीबन पंद्रह साल इस्तेमाल करने के बाद भी ये इसी तरीके से रहेगा और ऐसे ही रहेगा कश्मीरी चादर यह दहन करो इस्तेमाल मंडित फेरन तो ठीक ठीक अच्छा दस साल इस्तेमाल करने के बाद इसको फिर से हम से। सिला सकते हैं और फेरन बना सकते हैं है। है। अपने हाथ से प्रोडक्ट बनाए उनके कितने फायदे हैं कितने फायदे हैं अनगिनत फायदे हैं और हम यही चाहेंगे जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं तो इनका जरूर सपोर्ट करें इनका ज़रूर सपोर्ट करें और ये प्रोडक्ट्स अगर हम ख़रीदेंगे तो इनको एक हौसला अफजाई होगी इनको हौसला मिलेगा और प्रोडक्ट्स ये बनाएंगे और हमारे जो कश्मीर की रिवायत हैं हमारे जो कश्मीर का नाम है वो ज़िंदा रहेगा और कश्मीरी प्रोडक्ट्स का नाम जिस तरीके से हम बाहर कश्मीर में कश्मीर से बाहर जाकर हम ये फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारे कश्मीर में कश्मीरी शाल जो हैं वो बहुत ही मशहूर हैं हमें बड़े फ़ख्र से बाहर कहते हैं मगर जब हम अपने कश्मीर के अंदर आ जाते हैं यहाँ कश्मीरी शॉल की बात आती है या ख़रीदने की बात रहती है तब हम ये कहते हैं हमें नहीं चाहिए तो हम आपसे गुजारिश करते हैं आज तो अपने कल्चर को मत भूलिए अपने रूट्स को मत भूलिए अपने अपना जो हमारे हमारी जो सकाफत है पेपर माशी है चाहे कोई भी काम यहाँ पर हमारे बुजुर्ग कर रहे हो जिसकी वजह से हमारा 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 हमारे कश्मीर का नाम है जिसकी वजह से हमारे कश्मीर को जाना जाता है माना जाता है तो हमें उसको जिंदा रखना है हमारा भी आज यही मकसद था कि हम आज यहाँ पर आए और आपको दिखाए कि यहाँ पर कश्मीर में हाथ से बनाए हुए शॉल कैसे बनाते हैं और कितनी मेहनत इन पर ख़र्च होती है मैं यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा तो ये जो यहाँ पर काम करती है यहाँ पर अपना रोज़गार कमाती हैं असलो नाम मसरत तुम क्या रोजा ये थी यस ये ठेकेश वना लासीपुरा लासीपुरा कोता टाइम को ता तो ये करा हमें तकरीबन एक साल हो गया एक साल हो गया जी काम अच्छा चल रहा है हाँ अच्छा चल रहा है गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिल रहा है जी मिल रहा है हमें हाँ। ये एक मंथ मंथ में मैं थाउजेंड मिलता है अच्छा मंथ में आपको वो स्टेप एंड वगैरह 1000 मिलता है ताकि आप यहां पर काम कर सको हां उसी का आपको मिलता है जी तो तुम्हें तो मैं तुई थईवा ये काम पन्नस फ्यूचरस में तो गुण 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 हाँ, जारी मतलब यूस तुम इनवाजी जिंदगी आसो तो करवाई काम कंटिन्यू हां इंशाल्लाह जारी रखोगे हां तुम ने उस पर नाम रौनक रौनक कहां रहते हो यही लासीपुर में लासीपुर में रहते हो किस क्लास में पढ़ते हो आ, मैंने किया 12th कंप्लीट अच्छा 12th कंप्लीट किया है आपने ठीक है किस जगह पढ़ते हो आप किस हायर सेकेंडरी में सोगम हायर सेकेंडरी में सोगम हायर सेकेंडरी में ये काम कब से कर रहे हो हमें 6 मंथ्स हुए अच्छा 6 मंथ्स हुए शौक पैदा हो गया कि आपने सोचा मुझे एक काम करना है जब यहाँ पे ये खुला फिर यहाँ पे बहुत सारे कर रहे थे तो हमें फिर ये ऑफर मिली तो हमने भी तो आपको ये ऑफर मिला तो आपने सोचा हम भी करते, करते हैं। हाँ। नहीं शौक एक तो अंदर से शौक होता है ना हमें हाँ, तो अपने हाँ। कश्मीर कल्चर को मतलब बचाना है क्योंकि आजकल हम मशीन से बने हुए कपड़े खरीदते हैं मशीन से बने हुए प्रोडक्ट खरीदते हैं है न तो यही सोच के आपने हाँ ये इससे बेटर वो ये इससे उससे बेटर होता है ये इससे बेटर होता हाँ, है ये अपने हाथ से हम बनाते हैं ये अपने हाथ से आप बनाते हैं जिस तरीके से आप इस वक्त तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि हाथ से किस तरीके से काम किया जाता है तो आ, आपने क्या नाम बताया रूनक. रोनक जिस तरीके से रोनक ने भी यहाँ पर बताया कि हम ये काम जो है हाथ से करते हैं और हाथ से ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर बनाते हो थोड़ा सा नाम बताइए यहाँ पे ब्लैंकेट्स भी होती है मफलर्स बाकी सारे बेडशीट वगैरह वगैरह तो आप चाहते हैं कि ये आ, सिर्फ यहीं पर सोगा में महदूद ना रहे ये कश्मीर हाँ। से बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाए हाँ ये फैलना चाहिए क्योंकि हमें अपने कश्मीर कल्चर को आगे बढ़ाना है हमें इसको दबाना नहीं है बिल्कुल सही बात है हमें अपने कल्चर को नहीं दबाना है हमें इसको प्रमोट करना है हमें इसको आगे बढ़ाना है चलिए जी दोस्तों मैं इस वक्त उसी कारखाने में मौजूद हूँ जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जहाँ पर ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं जहाँ पर हमारा फेरन बनाया जाता है जहाँ पर मफरल्स बनाए जाते हैं और ये वही कारखाना है और मेरे साथ बशीर शाह साहब भी मौजूद हैं तो इसको इसको लूम भी कहते हैं और दोरा भी कहते हैं कश्मीरी में इसको दोरा कहते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं और इसको हाजी साहब खुद चलाते हैं खुद अपने

ठीक कपूर ये देखिए आप ये कपड़ा यहाँ पर इस वक्त बनाया हुआ है जो हमने आपको डिमोन्स्ट्रेट करके भी नीचे बताया था ये वही कपड़ा है जो हमने आपको दिखाया था और, और ये फेरन का कपड़ा इस वक्त हाजी साहब खुद बना रहे हैं अपने हाथों से बना रहे हैं और वो भी मुनासिब कीमतों पर जिस तरीके से आप मार्केट में अगर आप ब्रांड कपड़ा खरीदने जाओगे तो वहां पर आपको दो से तीन हजार खर्च करना ही पड़ेगा यहाँ पर आपको बिल्कुल सात से आठ रुपए में हाथ से बनाया हुआ कपड़ा मिलेगा